अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं बड़े मज़े की रेसिपी लाई हूँ, तोरी की सब्ज़ी। तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं: प्याज, टमाटर, दो प्याज बारीक कटे हुए, और टमाटर दो, और नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और सूखा धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्च, हरी मिर्च 4 अदद, और ये जो तोरी है मैं इसका पानी अलग से खुश कर रही हूँ, अलग से अलग पतीले में डाल के। कुछ भी नहीं डालना, बस तोरी डालनी है और उसका पानी जो है खुश कर लेना है। आप पानी खुश कर लेंगे। अच्छा, ये बाकी जो धनिया था मैं इसको धो धा के खुश करके इसको अलग से अलग बर्तन में जो है सेव कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है तोरी का पानी खुश्क हो रहा है, आप देख रहे हैं भाप भी उड़ रही है, तो ये बस होने ही वाला है तकरीबन। ये देखें जी, ये इस तरह बन जाएगा, इसकी थिकनेस देखें आप। इसको हम अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब जो है हमने क्या करना है, प्याज को है उसी पतीली में डाल के ब्राउन कर लेना है, ठीक है। इसको तेज़ आंच पे जो है हमने ब्राउन कर लेना है, और ये हो गए हमारे प्याज ब्राउन। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, और जो है बाकी जो मसाला जात है वो भी डाल देंगे। ये हमने मसाला भी डाल देना है, ये वाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका जो है ग्रेवी जो बनती है वो बना लेंगे, ठीक है। टमाटर तो फौरन ही गल जाता है, लेकिन थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे ढक कर, ठीक है जी। ये जो है हमारा तैयार हो रहा है। अब ये देखें जी, ग्रेवी जो है बन चुकी है तकरीबन इस तरह की। टमाटर भी गल चुका है और इसका कलर भी आपके सामने है। अब जो है क्या करना है हमने, मैं आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा और भूनें, और ये जो है हमारे पास तोरी, इसको हमने बीच में डाल देना। इसको डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले में, ये बिल्कुल इसके अंदर जो है मर्ज हो जाएगी। और ये जो है बन गई आपकी तोरी। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, मज़ीद थोड़ा और पकाएंगे। अच्छा, अब हरी मिर्चें भी डाल देनी है इसमें, ये हमने डाल दी हरी मिर्चें, और अब इसको भूनेंगे। अच्छे से भून लेना है, जो कच्चा वगैरह है। वैसे तो इसका पानी खुश कर लिया था, ये बिल्कुल ही नरम पड़ गई हैं, और इसको बस इसके अंदर जो है थोड़ा सा और भून लेना है। तो नज़र आ रहा है ये हमारी तोरी जो है तैयार हो गई है। इसको डिश आउट कर दें और ऊपर धनिया डाल दें। आपके सामने है मज़ेदार तोरी। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।